hello everyone welcome back to my channel today in this video we are going to solve the exercise of chapter 1 nutrition in plant class 7 science ncert book so before that if you have not seen the video in that i have explained the chapter i will share the link you can go through that so here we start first question is why do organisms take food क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड क्यों लेते हैं आंसर इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव फूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज इट गिव्स एनर्जी टू परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटीज इट प्रोवाइड द मटेरियल नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एनेबल्स द बॉडी टू रिपेयर एंड रिप्लेस वन आउट टिश्यूज इट कीप द बॉडी हेल्दी एंड हैल्प्स इट टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्टिंग अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ पैरासाइट क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू टेक फूड एंड शेल्टर इज कॉल्ड पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं और अपना खाना और सेल्टर दोनों उससे ही लेते हैं उनको पैरासाइट कहते हैं एग्जाम्पल है, है कसकटा कसकटा का जो प्लांट है वो पैरासाइट है सेप्रोट्रॉप

तो उनको हम सेप्रोट्रॉफ्ट कहते हैं एग्जाम्पल है फंगी एंड सम बैक्टीरिया क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स हम स्टार्च प्रेजेंस है लीव में ये कैसे टेस्ट करेंगे इसके लिए हमको एक एक्सपेरिमेंट करना होता है तो वी विल राइट द आंसर टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड कीप वन पॉट इन द डार्क फॉर टू टू थ्री डेज एंड द अदर वन इन द सनलाइट after 3 days perform iodine test with the leaf of both the plants when iodine come in contact with the starch blue black color appears इसमें क्या है जब हम दो same पॉटेड प्लांट लेंगे और एक को डार्क में रखेंगे एक को लाइट में रखेंगे तो जो डार्क में रखा हुआ प्लांट है उसमें सनलाइट नहीं आएगा तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड प्रिपेयर नहीं होगा प्लांट्स के द्वारा और जो सनलाइट में है वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा और फूड भी प्रिपेयर होगा तो स्टार्च वहाँ प्रेजेंट होगा तो जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे उनके लीफ के साथ तो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे पॉट केप्ट इन डार्क नो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स वेन परफॉर्म्ड आयोडीन टेस्ट आयोडीन टेस्ट करेंगे तो यहाँ नो ब्लू ब्लैक कलर अपेयर होगा क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं है फूड बना ही नहीं है तो लीफ में स्टार्च कैसे प्रेजेंट होगा पॉट केप्ट इन सनलाइट ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स वेन आयोडीन टेस्ट परफॉर्म जो सनलाइट ने प्लांट रखा है वहाँ पर फोटोसिथिसिस हुआ है और फूड जो बना है जो कार्बोडोहाइड्रेट है और लेटर ऑन स्टार्च बन जाता है तो जब वो आयोडीन के कॉन्टेक्ट में आता है तो आयोडीन चेंज हो जाता है कलर ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होता है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ synthesis ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है वो कैसे अपना खाना बनाते हैं वो हमको इस आंसर में लिखना है The process by which green plants prepare their food using carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight, सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स एज फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस इज कॉल्ड photosynthesis. तो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का उसके लिए प्लांट्स को क्या चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वाटर चाहिए क्लोरोफिल चाहिए सनलाइट चाहिए तो ये कैसे वो प्लांट्स को मिलता है रूट ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉयल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर इज टेकन थ्रू द स्मॉल पोर्स इन लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टोमेटा कहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं लीव्स ऑफ द प्लांट हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल दैट हेल्प्स टू कैप्चर द सनलाइट जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल वो हेल्प करता है प्लांट को सनलाइट को ट्रैप करने के लिए तभी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा खाना बन पाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर होता है और ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो आप इसमें ये एक जो रिएक्शन दिया गया है केमिकल रिएक्शन वो भी लिख सकते हो इससे भी फोटोसिंथेसिस को हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड इसमें बताना है हमें एक स्केच के द्वारा कि प्लांट ही अल्टीमेट सोर्स है फूड के लिए चाहे वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए तो यहाँ क्या है पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक रैबिट है रैबिट जो है कैरेट खाता है कैरेट है प्लांट्स और फिर उस रैबिट को एक फॉक्स खाता है फॉक्स जो है कार्निवर्स और उसके बाद फिर लायन लॉयन क्या करता है फॉक्स को भी खाता है रैबिट को भी खाता है तो हम इसको कैसे बता सकते हैं देखो प्लांट्स को खाते हैं रैबिट रैबिट को खाते हैं फॉक्स और इस फॉक्स को खाते हैं लॉय और लॉय रैबिट को भी खाते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो फॉक्स है वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं लॉयन भी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड क्योंकि अगर जो हार्बी वोर्ड्स हैं वो प्लांट्स नहीं खाएंगे तो कानी वोर्स उस एनिमल को कैसे खा पाएंगे तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं तो जो खाना अपना खुद बनाते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स सेकेंड इज द फूड सिंथिसाइज बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज डैश तो फोटोसिंथिस के जो प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और कार्बोहाइड्रेट सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट्स क्या प्रिपेयर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और वो लेटर स्टार्च बन जाता है तो वो प्लांट जो है उसको स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं इन द फोटोसेंथेसिस क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ इन द फोटोसेंथेसिस सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल लीफ में ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिनको क्लोरोफिल कहते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन गैस यहाँ फिलप्स में आपको भरना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को एटमोसफेयर में रिलीज कर देते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग द फूड क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इज नेम द फॉलोइंग फर्स्ट वन इज अ पैरासाइट प्लांट्स विथ येलो स्लैंडर एंड ब्रांच स्टेम एक ऐसे प्लांट्स का नाम बताना है जो येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम होता है जो पैरासाइट है तो कस्कटा इज द आंसर सेकेंड क्वेश्चन इज अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और पार्शियली मतलब जो अपना खाना खुद तो बनाते ही हैं और खाने के लिए दूसरे के ऊपर भी डिपेंड होते हैं तो उनको कहते हैं पार्शियली ऑटोट्रॉपिक तो इसका एग्जाम्पल होगा इंसेक्टिवोरस तो इंसेक्टिवोरस कौन से हैं आप कह सकते हो पिचर uh, प्लांट भी एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो द पोर्स थ्रू विच लीव एक्सचेंज गैसेज लीव में कुछ ऐसे पोर्स होते हैं जिससे लीव गैसेस का एक्सचेंज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं स्टोमैटा क्वेश्चन नंबर एट इज टेक द करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन इज कस्कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स पैरासाइट सैप्रोट्रॉप्स एंड होस्ट कस्कटा इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट सेकेंड क्वेश्चन इज द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज कस्कट्टा चाइना रोज पिचर प्लांट एंड रोज हमको बताना है कि कौन से प्लांट ट्रैप करते हैं और फीड करते हैं इंसेक्ट को तो आंसर इज पिचर प्लांट नाइन्थ क्वेश्चन इज मैथ द आइटम गिवन इन कॉलम वन विद द कॉलम सेकेंड तो हम मैंने इसको पहले से ही सॉल्व कर रखा है आप देख सकते हो कॉलम वन में है क्लोरोफिल क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है लीफ में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन 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 के साथ मैचिंग है राइजोबियम राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं वो एटमोसफेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में सिंपल सॉलेबल फॉर्म में तो इसका आंसर होगा राइजोबियम कसकटा कसकटा क्या है एक पैरासाइट प्लांट है एनिमल्स एनिमल्स आर हैोट्रॉफ्स बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स कौन खाते हैं पिचर प्लांट्स खाते हैं इंसेक्ट क्वेश्चन नंबर टेंथ इज मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स the first question is carbon dioxide releases during photosynthesis carbon dioxide is released no carbon dioxide is used during photosynthesis oxygen is released during photosynthesis so this answer is false second one is plant which synthesize their food are called saprotrophs Plants which synthesize their food but saprotrophs they feed on dead and decaying organic matter they do not synthesize their food the so answer is f false थर्ड क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोटो इज नॉट अ प्रोटीन द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथिस इज नॉट अ प्रोटीन येस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ फोटो इज कार्बोहाइड्रेट क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटो सिंथिसिस येस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी तो ये ऑप्शन ट्रू है नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग विच पार्ट ऑफ द प्लान टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसेंथेसिस ऑप्शन लीव ब क्या है स्टोमैटा स्टोमेटा टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ इज प्लाट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू द एयर रूट स्टेम फ्लावर्स एंड लीव्स प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं रूट से लेते हैं स्टेम से लेते हैं फ्लावर से लेते हैं या फिर लीव से लेते हैं आंसर है लीव प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर से लीव से लेते हैं आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट थैंक यू